नमस्कार किसान दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस स्प्रे पंप के इंजन वाला स्प्रे पंप होता है उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसके कुछ फीचर्स और इसकी कुछ टेक्निक्स, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसे आप घर पर कैसे दूर कर सकते हैं। पहले इसकी कुछ आपको जानकारी दे दें। ये इसका स्टार्टिंग रस्सी है, इसे खींच कर आप इसे स्टार्ट करते हैं और ये इसकी चोक है। अगर आप सुबह सुबह पहली बार स्टार्ट करेंगे तो इसे ऊपर कर दीजिए, ऐसे इसे जो आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होने के बाद इसको नीचे कर दें और ये इसका चोक का पॉइंट है। अगर आपको इसके आरपीएम ज़्यादा करने हैं या कम, वो है चोक पर। और ये इसका है एयर फ्यूल मिक्सचर, इसके द्वारा आप इसे एयर फ्यूल मिक्सचर को सेटअप कर सकते हैं। कई बार होता है कि इसकी स्टार्टिंग में दिक्कत आ जाती है, तो इसे आप सेटअप करके आसानी से ही घर पर सही कर सकते हैं। और ये है इसका रेस का, इसके ऊपर उठाने से इसकी रेस ज़्यादा होती है। और ये इसका है स्टॉप बटन, इसे दबाने से इंजन बंद हो जाता है। और ये इसकी गन है, ये इसकी नोजल गन है। इसको आप पीछे से ऐसे घुमाने से इसका प्रेशर कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये इसके एडजस्टमेंट के लिए है। अब इसको आप हम थोड़ा स्टार्ट करके बताते हैं। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। इस रस्सी को पकड़ें और आराम से खींचें। देखिए ये स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम चलाकर दिखाते हैं। ये इसका रेस है, इसको हम ऊपर उठाएंगे। देखिए प्रेशर, देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत दूर तक जा रहा है। इसके आप हर प्रकार की इसे स्प्रे आराम से कर सकते हैं। इसका प्रेशर बहुत दूर तक आप देख सकते हैं। इसको बंद करने का ये बटन है, इसके आप दबाते ही ये बंद हो जाता है। इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। तो ये थी इसके बारे में कुछ नॉलेज। इसके एक नी उम्मीद है आपको वीडियो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।